सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी चन्नवीर गुंडप्पा बंकूर सेवावर्धिनीमध्ये प्रोजेक्ट ऑफिसर म्हणून काम करतो. आज स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचं अटल इन्क्युबेशन सेंटर, स्वावलंबी भारत अभियान पश्चिम महाराष्ट्र आणि सेवावर्धिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. स्टार्टअप म्हणजे काय हे जाणून घेण्यासाठी आज आपण इथे एकत्रित आलेलो आहोत. आपण फेसबुक, आपण यूट्यूब वरती सुद्धा आता लाईव्ह आहोत. यूट्यूब वरती सुद्धा आपल्यासोबत काही जण जोडले गेलेले आहेत. मी सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आजच्या या सत्रामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्य वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत, त्यांचा मी थोडक्यात परिचय करून देतो. सविस्तर परिचय त्यांच्या बोलण्यातून आपल्याला होईलच. श्री उदयजी वांकावाल. उदयजी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी मधल्या अटल इन्क्युबेशन सेंटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ते संपूर्ण देशभरामध्ये 400 पेक्षा अधिक कॅम्पसेसमध्ये विविध महाविद्यालय IITs मध्ये ते जाऊन विद्यार्थ्यांना त्यांनी संबोधन केलेलं आहे. साधारणतः एक लाखापेक्षाही अधिक विद्यार्थ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. माझा आवाज सर्वांपर्यंत येतोय ना व्यवस्थित? येतो येतोय. हा, मागच्या 25 वर्षांचा त्यांना अनुभव आहे. एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट असेल, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप असेल किंवा मार्केट मॅनेजमेंट असेल, या विविध विषयांमध्ये ते तज्ज्ञ आहेत. त्यांचं मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट पर्यंतचं शिक्षण झालेलं आहे. आज ते आपल्याला मुख्य वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. मी अटल इन्क्युबेशन सेंटरच्या प्रतिनिधींना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या विषयाला सुरुवात करावी. धन्यवाद. पहले तो सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभेच्छा. ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे आई हैव बीन ब्लेस्ड कि काफ़ी सारे फोरम्स में मुझे बुलाया गया है. आई थिंक जो यूथ है और जो अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में, जो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि वी शुड रियली ग्रैब दिस विथ बोथ आवर हैंड्स, आई थिंक कहीं पे रुकना नहीं है. बहुत ज़रूरी है अभी कि वी बिकम जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब सीकर्स. एंड आई थिंक मैं पहले तो ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये इतने अच्छे दिन पे, स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन पे मुझे निमंत्रित किया. और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के जो विषय है, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट. One sec. Sorry, there was some technical issue. So now we are talking about Atmanirbhar Bharat. We are talking about a lot of opportunities. The challenges that are being there in front of us have to be converted into opportunities. And I think सबसे ज़्यादा जो आज का यूथ है वो उन्होंने उनके पास सॉल्यूशंस है, इनोवेशंस है. बट मेनली जो अपना अपनी एक सोच है, जो माइंडसेट है, वो ही अपने को रोकता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू. एंड आई थिंक वही वही मुद्दों पे मैं बात करूँगा. अराउंड 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स मैं स्पेसिफिक जो स्टार्टअप मतलब क्या, अगर स्टार्टअप इंडिया टीम जो अपना स्टार्टअप इंडिया की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, सो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे आपने देखा होगा. बट उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि स्टार्टअप को डिफाइन कैसे करें, या फिर हर एक बिजनेस है वो क्या स्टार्टअप है, किसको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, किसको इनोवेटिवली आइडियाज को देखा जाता है, और कौन से स्किल सेट्स चाहिए टू बी एन एंटरप्रेन्योर. और हमारी जो फिलोसॉफी है AIC रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी की, तो उसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा. बट उसके पहले मैं मेरे कुलीग से रिक्वेस्ट करूंगा इफ यू कुड जस्ट रन आर ऑडियो विजुअल, दैट वुड रियली हेल्प everyone to know more about what AIC Rambhao Malgi Prabodhini does.
माफी चाहेंगे। आई थिंक साउंड लास्ट के कुछ 5 या 7 सेकंड में सुनाई दिया, देयर वाज सम इश्यू अराउंड, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। सो मैं ये एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से शुरू करूंगा, एंड देन आई एम श्योर आपके थोड़े क्वेश्चंस होंगे, वुड लव टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस एज वेल। कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? और मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि ये YouTube वीडियो लाइव के माध्यम से वी आर रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर पीपल। रॉकी, कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? थैंक यू। सो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इसको फुल स्क्रीन मोड में कीजिए। सो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है उनके इनिशिएटिव से, दैट्स आवर अटल इनोवेशन मिशन इज द पैरेंट बॉडी एंड इट्स बीन होस्टेड एट रामबाव मालगी प्रबोधिनी विच इज 42-year-old NGO और काफ़ी पर्टिकुलर ये सेक्टर में कार्यरत है, जहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग अवेकनिंग मेनली फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स, एंड दैट्स वेयर आई बिलीव दैट AIC RMP वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द की इंक्यूबेटर्स वर्किंग इन द सोशल इम्पैक्ट डोमेन। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्टार्टअप इंडिया टीम हमारे वहाँ पे आई थी, तो उनके सौजन्य से ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन थोड़े स्लाइड्स में प्रेजेंट करूंगा, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली ऑन बिहाफ ऑफ स्टार्टअप इंडिया, बिकॉज वेर एवर दैट वी गो ये एक बड़ा मुद्दा रहता है कि स्टार्टअप मतलब क्या, और वही आज अपना टॉपिक है। सो एज पर द नोटिफिकेशन ऑन 19 फेब 2019 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ लीगल एंटिटी बहुत ज़रूरी है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो AIC RMP इंक्यूबेटर काम करता है, तो मोस्ट ऑफ आर स्टार्टअप्स, रादर 99% ऑफ आर स्टार्टअप्स आर ऑल रजिस्टर्ड, एंड आउट ऑफ दिस 99%, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स हैव DPIIT नंबर। आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप कुछ बिजनेस शुरू करते हो तो उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या रहेगा, और वो जानना बहुत ज़रूरी है। आई नॉर्मली से दैट इफ एट ऑल इफ यू हैव एन आइडिया, इफ यू आर वर्किंग अपॉन इट एंड दैट कैन बी कमर्शलाइज्ड, दैट कैन बी, और हमेशा स्टार्टअप जब भी आप शुरू करोगे, इट मे स्टार्ट ऑफ विथ वन फाउंडर, एक फाउंडर रहेगा या दो को-फाउंडर्स रहेंगे, या फिर आपके साथ इंटर्न्स रहेंगे, टीम मेंबर्स रहेंगे। तो पहले 2-3 महीने का समय देने के बाद बहुत ज़रूरी है आपको लिए आपके लिए ये जानना, और मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि यू मे स्टार्ट ऑफ एज अ प्रोपराइटर, यू मे स्टार्ट ऑफ एज अ सिंगल पर्सन एंटिटी विच इज़ कॉल्ड एज वन पर्सन एंटिटी और वन पर्सन कंपनी। आई थिंक वो भी ज़रूरी है कि लीगल स्टेटस क्या है आपका, और उसके अलावा आप अगर 10 साल, आपका रजिस्ट्रेशन डे स्टार्टअप का विद इन 10 ईयर्स है, पहले ये 7 साल था तो विद इन 10 ईयर्स है, तो आप एक स्टार्टअप कहे जाओगे। आपका वर्क, आपका जो कैपिटल है और आपका जो पर्टिकुलर टर्नओवर है, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 करोड़, जो पहले 25 करोड़ था। बट ये जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, आई थिंक वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और काफ़ी लोगों को उसमें कंफ्यूजन रहता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो भी स्टार्टअप है क्या? मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि नहीं, देर हैज़ टू बी फोर कॉम्पोनेंट्स। एक इनोवेशन, सो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, कैसे इनोवेटिवली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कौन सा प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है। इट हैज़ टू हैव अ स्केलेबिलिटी एज वेल, मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लोकल लेवल पे आप जाओगे और फिर लोकल लेवल पे सॉल्व करोगे, दिस नीड्स टू बी,
आज आपके पास 5 क्लाइंट्स कस्टमर्स है, कल 10 रहेंगे, फिर 100, फिर 500, फिर 1,000, उस तरह से आपको उसको स्केल करना है। उसके साथ ही आप एक, जैसे मैंने बताया कि यू माइट स्टार्ट ऑफ एज अ सिंगल फाउंडर, राइट, और को विद 2 को-फाउंडर्स, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप उसके साथ जॉब भी क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट बिकम्स एज अ काइंड ऑफ एन एंटिटी वेर इन यू हैव एम्प्लॉयज वर्किंग अलॉन्ग विथ यू ऑन ऑन दोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑन द सोल्यूशंस, एंड इट बिकम्स एज अ रजिस्टर्ड एंटिटी, एंड आफ्टर दैट इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 1 or 2 co-founders और मे बी 3 or 4 team members. ऑन एन एवरेज इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एनी पर्टिकुलर स्टार्टअप दैट हैज ग्रोन, दे कैन क्रिएट अप टू 8 to 10 jobs. ये एक इंक्यूबेशन इंडस्ट्री में स्टडी भी रहा है कि 10 job ऑन एन एवरेज आप जनरेट करते हो एज अ स्टार्टअप, ये 8 से 10. तो अगर कोई बेंचमार्क जानना चाहे कि कितने जॉब्स हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस एज वेल. इफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इट्स मच मोर, इफ इट्स सर्विस बिजनेस इट्स अराउंड 5 to 7, प्रोडक्ट बिजनेस है तो अलग है उस हिसाब से. एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक ये मुद्दा जो हमारे इंडिया में ज्यादा करके अभी लोग इस पे इसके बारे में बात कर रहे हैं, इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन. सो यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप नॉट जस्ट टू जनरेट प्रॉफिट्स बट क्रिएट वेल्थ एज वेल्थ. एंड वेन आई से वेल्थ, वेल्थ इज फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. सो वेन आई से इंटरनल स्टेक होल्डर्स तो आपके एम्प्लॉयज हुए, फॉर योर सेल्फ एज वेल यू आर जनरेटिंग वेल्थ, एंड ऑल्सो वेन आई से एक्सटर्नल इट्स योर सप्लायर्स, देर आर इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज एज वेल. सो ये 4 मुद्दों पे बहुत ज़रूरी है आपको कि जब भी आप स्टार्टअप शुरू करते हो, और ये कोई भी पर्टिकुलर आइडिया से शुरू हो सकता है जहाँ का जहाँ पे वैलिडेट आपने किया हो आपके आइडिया को, और ये वैलिडेट आप कैसे करोगे, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो आपके यूजर्स हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विस के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, उसके पास जाके आप ये पर्टिकुलर स्टार्टअप शुरू करोगे. तो मैं उसको थोड़ा रिवर्स में लेके जाऊंगा कि पहले तो ये 4 क्राइटेरिया के अंडर आना बहुत ज़रूरी है टू डिफाइन एज अ स्टार्टअप, दैट इट हैज़ टू हैव एन इनोवेशन. और इनोवेशन के साथ मैं स्केलेबिलिटी जब भी बोलता हूँ तो एक टेक्नोलॉजी भी आता है, सो देर हैज़ टू बी अ टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट एज वेल. सो व्हेन आई से दैट व्हाट दैट मीन्स इज देर हैज़ टू बी अ टेक्नोलॉजी दैट कैन रियली हेल्प यू टू स्केल अप योर बिजनेस. सो मेनली एट AIC वी लुक एट, AIC RMP वी लुक एट टेक बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स इन वेदर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बट देर हैज़ टू बी अ टेक्नोलॉजी दैट नीड्स टू हेल्प यू टू स्केल अप. और साथ में आप जॉब क्रिएट कर रहे हो और वेल्थ क्रिएट कर रहे हो. एंड माइंड यू, आई मीन एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट एंटरप्रेन्योर्स आर ओनली लुकिंग एट देयर ओन प्रॉफिट्स, नॉट रियली लुकिंग एट वेल्थ क्रिएशन. सो आई बिलीव दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू आर जनरेटिंग वेल्थ नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर टीम, फॉर योर स्टेक होल्डर्स, फॉर द नेशन, एंड दैट्स द की एलिमेंट. दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप की तरह ये शुरू कर रहे हो तो आपको स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. आई अंडरस्टैंड कि टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड और अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगेन इट हैज़ गॉट इज ओन प्रोसेस, और उसमें काफ़ी ज़रूरी है कि आप वो लीगल प्रोसेस के थ्रू जाओ, उसके थोड़े कॉस्ट भी इन्वॉल्व है. बट इफ एट ऑल इफ यू मेक इट अप एज अ रजिस्टर्ड स्टार्टअप, इवन 1-person company OPC एज वेल, so that is also now being allowed, that has come in a revised guidelines, so you should really look at it. Can we move to the next slide please? So ये एक पर्टिकुलर स्टार्टअप का जो एंगल है वो मैंने बताया स्पेसिफिक टू द टेक्निकल डिटेल्स और टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो आपको स्टार्टअप को अगर आपको रजिस्टर करना है रिकग्नाइज्ड फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया, तो ये जो 4 मैंने मुद्दे बताए ये तो ज़रूरी है ही, बट उससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? डेफिनेटली अभी आपको गवर्नमेंट स्पेसिफिक अगर प्रोक्योरमेंट कोई चीज़ें हैं, आपको पेटेंट्स हैं, ग्रांट स्पेसिफिकली दैट इज बिन ग्रांटेड, योर पेटेंट्स कुड बी ग्रांटेड थ्रू दैम. देर इज ऑल्सो टैक्स बेनिफिट विच इज़ फॉर 3 years, एंड ऑल्सो कंप्लायंस रेजिम with regards to your processes. So if you get recognized with Startup India and beyond that as well, now there is funding that's available
in the form of grant, in the form of seed fund as well. So grant is mainly given for product development and seed fund is given for commercialization. So ये आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो स्टार्टअप इंडिया का इन्वेस्ट इंडिया का एक इनिशिएटिव है उसके द्वारा आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्टार्टअप के जो डेवलपमेंट फेजेस है, सो यू स्टार्ट ऑफ विथ एन आइडिएशन टू कॉन्सेप्चुलाइजिंग द आइडिया, देन इट्स योर कमिटमेंट, वैलिडेशन, देन स्केलिंग एंड एस्टैब्लिशिंग. जैसे आप ये पर्टिकुलर चार्ट में देख रहे हो कि initially you will build the vision and mission of your startup, what you would then really work upon in the next 3 to 6 months is conceptualizing what we really call it as a minimum viable product jo aap market mein leke jaoge. It might not be a perfect product or a service, but at least you will test it out, you will validate it with real customers, with real users. Uske baad jaise hi, and mind you, these customers or users are not the free pilots we are talking about. We are talking about paid customers or paid pilots. Ek bar aapko usse confidence aayega, aap usko improve karoge, that's where you will find the right product market fit and you will launch your venture. That may take around 6 to 8 months. And then after that, what you would really work upon is registering your startup and then building your team. And once the team is built, you would really move into the scale up or the growth phase. So I'm not going to talk much about the growth phase here, but ye jo startup ki journey hai, normally ye aapko 1.5 se 2 saal mein, you would be able to really see exactly whether aapka jo idea hai, wo successful hai ki nahi in terms of execution. Aur uske saath hi aap jo product pe kaam kar rahe ho, wo kitna कितने हद तक आप लेके जा सकते हो, कितनी स्केलेबिलिटी है उसकी, और उसके साथ जो एंटायर प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का वो भी आप सीखोगे. तो ये एक हमारी AICRMP की फिलोसॉफी भी है जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, जो मैं बताना चाहूँगा सबको कि इनिशियली यू माइट स्टार्ट ऑफ एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ सिंगल फाउंडर, बट उसके बाद जो प्रोसेसेस हैं विच इज़ अराउंड ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ अराउंड HR, टीम बिल्डिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वो आप करते जाएंगे. और फिर बाद में उसके बाद जब आप एक प्रोसेस को डिफाइन कर दोगे तभी आप एक एंटरप्राइज बना पाओगे, विच इज द स्केल अप और योर ग्रोथ फेज. सो दैट इज व्हाट आइडियली इज द सिनारियो व्हेन यू रियली वांट टू स्टार्ट ऑफ. सो मेनली हमको काफी क्वेश्चंस आते हैं व्हेन एवर एनीवन कम्स इन, वी गेट स्टार्टअप्स एट डिफरेंट लेवल्स, राइट. हमको आइडिया स्टेज पे स्टार्टअप्स मिलते हैं, फाउंडर्स मिलते हैं, हमको MVP स्टेज पे मिलते हैं, हमको रेवेन्यू स्टेज पे मिलते हैं, और हमको स्केल अप स्टेज पे मिलते हैं. तो हर एक के चैलेंजेस अलग है, बट इट्स अ प्रोसेस, लेट मी टेल यू, एंड इट्स अ वंडरफुल जर्नी दैट यू विल रन थ्रू अलोंग विथ योर टीम व्हेन यू वुड जंप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जैसे मैं बता रहा था ये कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन से स्टेज पे हो आपके स्टार्टअप के, वेदर यू आर एट अ कॉन्सेप्ट स्टेज विच इज यू माइट नॉट हैव स्टार्टेड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, whether you are in development phase, which is the product is not usable yet. What that really means is product ready hai, lekin usme thode aur changes zaruri hai aapke. Your first product ready, but no user yet. I mean, you might be at that particular stage as well. And then you might have one user, which is your MVP, minimum viable product. And then you move on to revenue stage and growth stage. So for any entrepreneur, everyone would go through this life cycle. We call this as a life cycle of a venture and life cycle of a founder. And then उसी से आप ये अपना venture build करोगे. और ये बहुत ही ज़रूरी है. काफ़ी time हमको ये भी questions आते हैं कि किस हिसाब से और कैसे आप अपने venture को देख रहे हो और कहाँ कहाँ पे आपको challenges आएंगे और कहाँ कहाँ पे आपको support मिलेंगे. So if you are at a very initial level, there are a lot of idea to lab incubators, I call them as academic incubators or incubators with lab facilities. So wo aapko help karenge. When you are at lab to market, then you have AICRMP and few other incubators in the country that would help you out. And then when you are at a growth stage, then it's accelerator programs that would be there. Main ye bhi batana chahunga ki kafi ek logo ko utna अवेयरनेस नहीं है कि कैसे इंक्यूबेशन सेंटर हेल्प करेगा या कैसे इंक्यूबेशन इकोसिस्टम या स्टार्टअप इकोसिस्टम हेल्प करेगा.
तो प्लीज आप ये जानिए कि जब भी आप बिजनेस में हो देन योर फोकस हैज़ टू बी ऑन बिजनेस मॉडल इज ऑन रेवेन्यूज। इकोसिस्टम में क्या चल रहा है और इकोसिस्टम में कैसे सपोर्ट मिलेगा, तो दैट्स वेयर इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प यू एंड दे वर्क एज फैसिलिटेटर्स। तो जैसे आपको फंडिंग की ज़रूरत है, इनिशियल ग्रांट की ज़रूरत है, आपको कनेक्ट्स की ज़रूरत है, आपको क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है, तभी आपको इंक्यूबेटर्स हेल्प करेंगे। और जब भी आप स्केल अप स्टेज में जाओगे तो आपको आपको ग्रोथ चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए, फंडिंग फ्रॉम VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट, तो तभी आपको एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म जो है वो आपको हेल्प करेंगे। और उसके साथ ये पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट आपको हर एक स्टेप पे हेल्प करेगा। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो ये एक हमारा यूनिक फिलोसॉफी है और ये इंक्यूबेशन सेंटर आई वुड से, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि एज एन ऑन्टरप्रिनर यू वुड स्टार्ट ऑफ दैट अ सिंगल पर्सन और मे बी टू को फाउंडर्स, देन यू वुड फॉलो अ प्रोसेस विच इज अराउंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, HR, फाइनेंशियल मॉडलिंग, गो टू मार्केट, देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स दैट कम्स इन टू इट, एंड देन आफ्टर दैट यू वुड बिल्ड एन एंटरप्राइज। एंड ये तीनों स्टेज पे इट हैज टू बी नर्चर्ड केयरफुली एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन टू, ये जो तीन की वर्ड है वो स्टार्टअप फाउंडर के लिए जानना बहुत जरूरी है। वन, इट हैज टू बी सस्टेनेबल। सो सस्टेनेबल आप कैसे रहोगे, जब भी आप खुद के रेवेन्यूज या खुद अपने जो हम आत्मनिर्भर बोलते हैं, दैट्स द होल आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी, राइट? दैट यू आर रियली वर्किंग ऑन योर ओन पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स, एंड दैट्स हाउ इट्स सस्टेनेबिलिटी। इट हैज टू बी अ लीन मॉडल, सो विथ मिनिमम रिसोर्सेस इट्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट हैज टू हैव अ ऑप्टिमम इम्पैक्ट एज वेल, सो इट हैज टू हैव अ लीन मॉडल एंड इट हैज टू बी एजाइल विच इज क्विक, क्विक इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्विक इन टर्म्स ऑफ योर एक्शंस, एंड दैट्स वेर यू वुड बिल्ड एन एजाइल एंटरप्राइज विथ कंटिन्यूअस इंक्लूसिव ग्रोथ। ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हमने हमारी जर्नी में देखा है बहुत सारे स्टार्टअप्स वेल्थ क्रिएशन का नहीं सोचते हैं, एंड व्हेन दे रियली टॉक अराउंड बिजनेसेस दे रियली लुक एट द शॉर्ट टर्म गेन्स एंड दे मिस आउट द लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म गेन्स अराउंड इट। आई थिंक आपके डिसीजंस बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ के, जहाँ पे अगर आपको इनिशियल लेवल पे इफ एट ऑल इफ यू आर एबल टू क्रिएट वेल्थ फॉर अदर्स, द अदर्स विल हेल्प यू अराउंड वेल बिल्डिंग योर एंटिटी। दैट्स द फिलोसॉफी दैट एवरी वन हैज टू फॉलो। और ये मैं बताना चाहूँगा सबको कि ये अगर फिलोसॉफी आप फॉलो करोगे तो आपके इंक्लूसिव अप्रोच से आप ना सिर्फ एंटरप्राइज बिल्ड करोगे बट आप एक जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो भी बड़े इम्पैक्ट पे और स्केल पे आप उसको सॉल्व कर पाओगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? दिस इज वॉट द स्टडी सेज, एंड मेनली व्हेन पीपल से दैट वेदर ऑन्टरप्रिनर्स आर बॉर्न और दे आर मेड, राइट? स्टार्टअप फाउंडर्स वो ऑटोमेटिकली खुद एक फाउंडर होते हैं, ऑन्टरप्रिनर्स होते हैं, या उसको नर्चर भी किया जा सकता है। आई थिंक मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि यू माइट बी बॉर्न एज अ लीडर, एज अ फाउंडर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड हैव टू हैव लॉट ऑफ मल्टीपल स्किल्स अराउंड, एंड दिस मल्टीपल स्किल्स आर राइट फ्रॉम योर बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये जो तीन आपको पहले इसमें रो में दिख रहे हैं। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ फाउंडर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन एंड एक्टिव विच आई कॉल इट इज आर्टिकुलेशन, किस तरह से आप आर्टिकुलेट करते हो आपके विजन को और किस तरह से आप स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज रहते हो, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देर हैज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, यू हैव टू टेक रिस्क एज अ फाउंडर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट्स व्हाट आई हैव सीन दैट मेनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर यू डोंट टेक रिस्क, बट आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी। द नेटवर्किंग स्किल्स आई एम श्योर एवरी वन वुड हैव हर्ड, इट्स एक्चुअली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट? कि कितना आप ये इसमें ग्रो कर पाते हो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल स्किल्स विच इज मेनली अराउंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो ये बहुत जरूरी है टू हैव दिस नाइन स्पेसिफिक स्किल्स टू बी एन ऑन्टरप्रिनर, एंड एज आई सेड इट्स अ जर्नी दैट यू विल फॉलो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बींग एन ऑन्टरप्रिनर टू एन एंटरप्राइज। सो दैट इज वॉट आई जस्ट वॉन्टेड टू
give a brief overview around the journey, around how to be a startup, how to really look at it from all the angles, and how to be an effective sort of an entrepreneur with lot of support from the ecosystem that's been provided to you as well. Can we move to the next slide? So this is just an overview. I mean, I will move to the next part of AIC RMP journey. But the basics of it, at least I have tried to cover through a couple of slides. And I'm sure, I mean, if at all, if there are any questions, I'll be more than happy to address in Q&A. But ये बहुत जरूरी है जो नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन, which is an umbrella body, which is a parent body of AIC RMP, has been doing a great work. So a lot of times what happens is people ask us, कि अटल इनोवेशन मिशन एक AICZ हैं या फिर बहुत सारे और कौन से इनिशिएटिव है. सो लेट मी एड हियर दैट अंडर नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज बीन डूइंग tremendous work. They have got 6 sub initiatives, which includes Atal Tinkering Labs, Atal New India Challenge, which is a grant of up to 1 crore given to innovators, and beyond that as well, there have been a lot of other programs that have been included within Atal Innovation Mission. Can we move to the next slide? So hamara जो मेन मकसद है वो ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स या फिर फाउंडर्स को नर्चर करना, बट आल्सो इकोसिस्टम को नर्चर करना, सो दैट वी बिकम वर्ल्ड क्लास इनक्यूबेटर. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट वी आर वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सोशल इम्पैक्ट इनक्यूबेटर एंड वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग इनक्यूबेटर्स इन द कंट्री. AICs, देयर आर 70 AICs ऑल अक्रॉस इंडिया, बट वी आर वन ऑफ द AICs दैट्स बीन वर्किंग मेनली एट ग्रासरूट लेवल एंड क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट. Move to the next slide that will just give you an idea around our focus areas. Agar aapke paas koi bhi idea ho jo agriculture mein, ICT mainly, healthcare ya education mein, ya social impact jahan pe maybe I mean with the help of technology you are bringing in a change which is overlapping as well. So we mainly look into clean tech, we mainly look into SHGs, we mainly look into self-help groups, we mainly look into problems that are solved at the grassroots level with the help of technology, then we really prefer those specific ideas. And let me tell you, 10 से 12% हमारा portfolio जो है, जो हमारे incubatees है, वो idea stage से भी है. So it's not only lab to market, but we have idea stage incubatees as well, or startups as well. And we have nurtured, rather, we had one of the incubatees that came to us as an NGO, and then now it's been sort of given Startup India recognition, and then they have raised close to 30 lakhs of funding through government. Can we move to the next slide? So I'm sure ये आपने वीडियो में भी देखा होगा, 70 plus startups हमने incubate किए हैं, but उसके साथ हमने almost 200 से ज़्यादा ideas को nurture किया है, 300 से ज़्यादा startups को directly या indirectly हमने impact किया हुआ है, 500 से ज़्यादा जॉब क्रिएट हुए हैं हमारे ये जो 70 प्लस स्टार्टअप्स हैं. द एक्सटर्नल फंडिंग हैज़ बीन ऑलमोस्ट क्लोज टू 35 करोड़ दैट्स बीन रेज्ड बाय द स्टार्टअप्स. वी हैव आवर ओन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड एज वेल, थ्रू विच वी कैन डिसबर्स 20 लैक्स ऑफ ग्रांट एंड 50 अप टू 20 लैक्स ऑफ ग्रांट एंड 50 लैक्स ऑफ सीड फंड विच वी गिव इट एट कन्वर्टिबल डेट, और ग्रांट इज प्योरली फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. And this is the community, that's what we have built in last 5 years or so. Can we move to the next slide? Jaise maine bataya, Startup India Seed Fund, as well as we are being recognized as a social impact incubator, and we are really glad that we are really making that change and ensuring that more and more students, more and more budding entrepreneurs, more and more youngsters, more and more people at different levels take up one particular idea. They start solving a problem and make it as an enterprise. That is what our aim is. And they go through the entire journey with us. So our incubation period is typically right from 6 months, which is our Aarambh program, to 12 months, 12 to 18 months, which is our incubation program. And then we have fast track for revenue stage startups as well. Can we move to the next? I would certainly like everyone to really look into our social media handles. You would find a lot of interesting stories and insights. We are in the
process of building this to the next level in the next stage of our entrepreneurial journey as AIC RMP incubator. Ab tak hum jahan the, I think we are now at a scale up stage and we will be coming up with new programs. But what I am really happy about, we are really happy about, is we have built those transformative stories at the incubator. So what those transformative stories are, 5 pivots hain, 5 logon ne yahan pe aake ideas पे काम किया है, बिजनेस मॉडल चेंज किया है. हमारे पास इतने स्टार्टअप्स हैं जो 15 करोड़ का रेवेन्यू टर्नओवर है. हमारे पास वैसे स्टार्टअप्स हैं जो जिन्होंने बिजनेसेस सस्टेनेबल बिजनेसेस पे काम किया है और काम कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं. एंड राइट फ्रॉम जवाहर टूरिज्म विच इज़ वन ऑफ आर फर्स्ट कोहोर्ट इनक्यूबेटी to an incubatee in our recent cohort, which has been working on lights, that Nakshatra Lights, that's the brand that they are working on. They have set up a manufacturing unit that's based in Dhanu. So more than happy to address. I think it's already 4:38. So maybe next 5 to 7 minutes, would love to take up questions if there are any from the moderator and from the audience. But really, I would like to thank each and every one for joining on this day today. And our whole idea is to make India, Bharat, आत्मनिर्भर. तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जॉब क्रिएटर बनिए, और उसके साथ ही बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि एक आइडिया है उसको, जैसे विवेकानंद जी कहते थे कि एक उसको आप लेके चलिए और उसको आप एक विजन की तरह उसको अगर बनाएंगे तो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर जर्नी. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज एक्सपीरियंसेस, राइट? सो एज एन एंटरप्रेन्योर आई ऑलवेज से दैट इट्स यू हैव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, यू हैव टू experience and experiment, and that is what entrepreneurship journey is all about, and that is how you would really work on your idea and make that idea work not just for you but for the nation as well. So all the best to each one of you. Thanks for hearing me out, and I'm open to taking up questions if any. Uday ji, manapurvak dhanyawad. स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलंय की आपल्या मध्ये जे आहे त्याला बाहेर काढणं म्हणजे शिक्षण आहे, आणि तुम्ही पण सांगितलं तेच. इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून जे आपण काम करतो, प्रत्येकामध्ये काही ना काही प्रतिभा असते, पण त्या प्रतिभेचं पोषण जर नाही झालं तर ते कोमेजतं किंवा ते उदयालाच येत नाही. त्यामुळे इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून प्रतिभेचं पोषण करण्याचं काम तर आपण करतोच. तुम्ही तुमच्या मांडणीमध्ये सुद्धा त्याचे टप्पे सांगितलेले आहेत. जास्त वेळ न घेता उपस्थित सर्वांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचे प्रश्न विचारायला हरकत नाही. थँक्यू सो मच. आपने ये बहुत अच्छा, और इनफॅक्ट आप जब भी हमारे उत्तन कैंपस आएंगे जो हम मीरा भाईंदर में हैं थाने में, तो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर को हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, तो जब भी हमने इंट्रोड्यूस किया और केशव सृष्टि नज़दीक में है, तो हम काफ़ी ग्रास रूट लेवल से जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं कॉलेज से, वो भी आए थे. तो हमने एक टर्म, उन्होंने टर्म कॉइन किया. सो इंग्लिश में भले हम बोले उसको अटल इंक्यूबेशन सेंटर, बट हम उसको अटल प्रतिभा पोषण केंद्र बोलते हैं. सो व्हाट दैट रियली मीन्स इज आपकी जो प्रतिभा है उसको उसको आपका जो टैलेंट है उसको नर्चर करने के लिए एक ऐसे सेंटर की जरूरत है, और वही वही विजन लेके हम काम कर रहे हैं. थैंक यू. जैसे आपने बताया इनिशियली कि एनीथिंग कैन बी अ स्टार्टअप, किसी somebody has contacted, there is a government company in Pune called CMET, they work on various materials etc. Whereas they have developed a product, okay, they have for X-ray, it is related to healthcare. Normally, and every X-ray technician is supposed to be wearing a very thick and almost 6 to 7 kg weight apron. While they have developed a apron or a raw material which weighs almost one third. I mean, if the normal apron of X-ray is 6 to 7 kg, this apron is likely to be around 2 to 3 kg. So suppose somebody comes to us with this idea, in few words, I understand we are tight on the timeline. Few line, if you can add how this idea will get implemented over a period of time, if somebody has approached me and I have to take it with AIC RMP. So wonderful. Quickly. Teen mudde hai usme. Pehli cheez ki aapne jo ye banaya, definitely that comes under innovation, right? So ye ek innovative idea hai. उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपका पहला स्टेप यही रहेगा कि उसको आप
मार्केट कैसे करेंगे, तो आप जो यूजर्स है उसके पास जाके आप जो सर्वे हम बोलते हैं मार्केट सर्वे, वो आपको करना है और जानना है कि और मार्केट में ऐसे कितने हैं। ये आपको गूगल से नहीं मिलेगा, वो आप जब भी मार्केट में जाओगे तभी आपको ध्यान में आएगा, विच इज मेनली कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आई मीन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बताओ, या फिर आप इसकी मार्केट इसकी जरूरत है कि नहीं है वो आपको यूजर्स ही बताएंगे। बिकॉज जब भी आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलेगी कि भले वो वेट में कम हो लेकिन उसकी यूजेबिलिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी और बहुत सारे फैक्टर्स वो नहीं उनको ध्यान में आएंगे, तो वो आपको वैलिडेट करना है। सो दैट वी कॉल इट एज आइडिया वैलिडेशन। दूसरी चीज है कि आपको जानना है कि अगर जो आपके स्टेक होल्डर्स है वो इसको कौन से प्राइस में, और आप इसको किस हिसाब से, अभी आप शायद 100 मैन्युफैक्चर करो या 50 मैन्युफैक्चर करो तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, तो वेदर देर इज अ कमर्शियल वायबिलिटी टू इट और नॉट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सिर्फ सोशल कॉज के लिए नहीं कर रहे हो, आप रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर रहे हो, और साथ में देर हैज टू बी अ मॉनिटरी गेन एज वेल फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो ये आपका कमर्शियलाइजेशन वाला आस्पेक्ट हो गया। और तीसरी चीज, ये इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कौन 3 या 4 टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स चाहिए, वो अगर आपने डिसाइड कर दिया तो आई थिंक यू कैन कंप्लीट एंड दिस वंडरफुल वंडरफुल वे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, नॉर्मली वी मिस आउट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी। अगर आप आईपी फाइल करते हो इसके लिए तो व्हाट विल हैपन, इट विल हेल्प इन योर वैल्यूएशन एज वेल एज इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समवन एल्स कॉपिंग योर आइडिया। सो ये दैट चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं आई थिंक यू कैन कंप्लीटली मेक दिस इंटू अ वेंचर। एज आई सेड, इट टेक्स नथिंग लेस देन 3 to 4 months टू वर्क अपॉन इट डिलीजेंटली डेडिकेटेडली। डेफिनेटली दिस कुड बी अ ग्रेट ग्रेट सॉर्ट ऑफ एन आइडिया। ओके, सो आई विल कांटेक्ट यू अप्रोप्रिएटली। प्लीज मुझे एक चैट विंडो में क्वेश्चन दिख रहा है कि आई सोल्ड मिल्क इन डेयरी, इज इट अ स्टार्टअप? आई थिंक कुछ एकर का लैंड है उनके पास, 2 एकर का फार्म है, एंड देन सो प्लीज समझिए, आप जब भी कोई प्रोड्यूस करते हो जैसे मैंने बताया आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर जो एग्जांपल है उससे ही मैं कहूंगा कि हमारे पास एक स्टार्टअप है ओकेमी बायोसाइंस करके, व्हाट दे डू इज दे आर इनटू फीड्स, सो एनिमल जो कैटल्स रहते हैं उनके लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है विच इज लाइक अ काइंड ऑफ हेल्दी टू दोस कैटल्स, लाइक अ विटामिन टू द कैटल्स, सो इट्स अ फीड फॉर कैटल्स। अगेन आई मीन दैट बिकम्स अ वेरी इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट दे हैव डेवलप्ड। तो आप ये जो कर रहे हो वो उसमें इनोवेशन नहीं है, बट अगर यही चीज आप स्केल अप या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज या एक मूवमेंट की तरह करोगे, 2-3 फार्मर्स को लेके, और उसमें कुछ ब्रांड क्रिएट करोगे या प्रोडक्ट क्रिएट करोगे जो यूनिक है, जो हटके है, जो इनोवेटिव है, तो डेफिनेटली दिस कैन बी टर्म्ड एज अ स्टार्टअप। एज आई सेड, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दिस आर द टू टू आस्पेक्ट्स। अ सिंपल बिजनेस और अ सिंपल ट्रेड कैन नॉट फॉल इन टू अ स्टार्टअप। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज एन ऑन्टरप्रेनर यू रियली नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसको आप इनोवेटिवली कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हो और कैसे उसको ये इसमें कर रहे हो। बहुत ही सिंपल आइडिया होगा वो भी आपका स्टार्टअप हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इट हैज टू हैव अ काइंड ऑफ अ ग्रेट टेक्नोलॉजी और अ ग्रेट इनोवेशन, इट कुड बी अ कॉपी टू एनी अदर इनोवेटिव थिंग्स एज वेल। सो श्योर, आई मीन कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई बिलीव दैट इसमें थोड़ा और आप सोचिए इसको कैसे इनोवेटिवली आप या फिर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो या फिर कुछ B2B कर सकते हो। मेनली इट्स अबाउट योर मार्केट, राइट? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे व्हेनेवर आई टॉक अबाउट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स कमर्शियलाइजेशन, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स आल्सो अबाउट हाउ डू यू रियली सर्व इट टू अ लार्जर ऑडियंस और स्केल इट अप। सो प्लीज लुक इनटू इट। विश्वजीत सिंह, आवर टीम स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट विच इज इन डेवलपमेंट स्टेज नियर बाय बर्थ प्लेस ऑफ रामबा मांझी। यस प्लीज प्लीज रीच आउट, आई थिंक मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू हियर, वी कैन हैव डिस्कशंस अराउंड। वी डू वी आर हैविंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन 14th एंड 15th ऑफ मार्च फॉर आइडिएटर्स, वुड लव टू इन्वाइट ईच एंड एवरी वन। दिस आर एट ग्रास रूट लेवल, इट्स गोइंग टू बी अ वन डे इंटरेस्टिंग कॉन्क्लेव, वी कॉल इट एज अ सम्मेलन। जो आइडिया लेवल पे है इट्स कॉल्ड एज आइडिया बाज। सो श्योरली आई मीन बिफोर दैट एज वेल इफ यू आर अराउंड, आई मीन वी कैन हैव वन टू वन डिस्कशंस। एनी अदर क्वेश्चंस? प्लीज, आई थिंक इट्स ऑलरेडी वी हैव ओवरशॉट ऑन टाइम।
ग्रामीण भागामध्ये आपण स्टार्टअप कसं सुरू करू शकतो असं यूट्यूब वरती एक प्रश्न आलेला आहे हाँ पी म्हणून. नहीं, सो मैं उसमें ऐसे बताऊंगा, अगर आप देखें तो अभी बहुत जगह पे रूरल इंक्यूबेटर्स हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एम, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं. आपको ग्रामीण भाग से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और वो उसको कैसे आप एक स्टार्टअप की तरह उसको शुरू कर सकते हो. आई थिंक दैट्स वेयर द रियल फ्लेवर इज. सो व्हेन आई से रियल फ्लेवर इज, व्हाट दैट रियली मीन्स इज दैट वो ग्रामीण भाग से ही ना लिमिटेड रखते हुए अगर वो आप शहर तक लेके जाओ या फिर ग्लोबल लेवल तक लेके जाओ, तो बहुत जरूरी है कि ग्रामीण भाग जब भी आप जाओगे तो वहां पे भी बहुत सारे चैलेंज. एक मैं बताना चाहूंगा, स्किल डेवलपमेंट, अगर वो मुद्दा ले लिया आपने ग्रामीण क्षेत्र में, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. स्किल डेवलपमेंट, एडुकेशन, हेल्थ केयर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समस्याएं हैं ग्रामीण भाग में, उसको एक पर्टिकुलर आप लीजिए एंड देन आई एम श्योर यू वुड कम अप विद सम वंडरफुल आइडियाज, विच आई बिलीव दैट नॉट इवन इन मेट्रोज यू वुड फाइंड पीपल वर्किंग ऑन दोज आइडिया, बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्टली कि ग्रामीण क्षेत्र की क्या चैलेंजेस है या क्या प्रॉब्लम्स है. तो आप ही उसको सॉल्व कर सकते हो और उसको स्टार्टअप की तरह शुरू कर सकते हो. राइट, एनी अदर क्वेश्चंस यूट्यूब पे या हाँ, कहीं पे? आणखीन काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता. आज प्रश्न विचारू शकलो नाही तरी तुम्ही रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत किंवा आम्हाला सेवावर्धिनीमध्ये पण प्रश्न विचारू शकता. एक प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये आलेला आहे, एकच मिनिट. डेवलपिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स विथ हेल्प ऑफ SDG, SDGs, राइट? काय करता येऊ शकतं का असा अरुंधती ताईंचा प्रश्न आहे. नहीं, अगेन आई मीन बहुत जरूरी है. इसको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ यूनाइटेड नेशंस, और बहुत जरूरी है आपका कि ये प्रोडक्ट क्या है, हम डिटेल में जानना चाहेंगे. यू आर मोर देन हैप्पी टू शेयर जस्ट अ कॉन्सेप्ट नोट ओवर द मेल. मैं हमेशा बोलता हूँ एज अ स्टार्टअप पहली चीज है कि आप इसको आर्टिकुलेट, आपको आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो. तो पहले इसको लिखना शुरू कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए. अगर हमको ये पसंद आएगा, वी वुड इनवाइट यू इन डिफरेंट फोरम्स एंड देन डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट राइट फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग योर आइडिया टू मेकिंग इट एज अ स्टार्टअप एंड देन मेकिंग इट एज एन एंटरप्राइज. सो मोर देन हैप्पी, एज आई सेड, 14-15 मार्च को जो हो रहा है हमारा, वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो अभी आइडिया स्टेज पे है, और उनको हम एक दिन का कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. सो थैंक यू सो मच सेवावर्धिनी ट्रस्ट. आई थिंक डेफिनेटली हमारा जो नेटवर्क है और हमारे जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही जरूरी है कि वी रीच आउट टू द राइट पीपल. एंड आई थिंक आज ये एक अटेम्प्ट था कि शायद मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ तो 25 या 30 मुझे पार्टिसिपेंट्स दिखे जूम पे, यूट्यूब पे शायद 50 हो या 100 हो, जो भी हो, बट उसमें से अगर 2 या 3 भी आज के दिन अपने आइडिया को लेके एक एंटरप्राइज, एक ऑन्टरप्रिनरशिप या एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो आई थिंक हमारा जो एफर्ट था टू रियली रीच आउट टू पीपल एंड देन मेक देम ट्रांसफॉर्म देम लाइव्स, आई थिंक तो मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल रहा अपना अटेम्प्ट. एंड देन एज आई सेड, वी आर ऑलवेज अप्रोचेबल, प्लीज रीच आउट टू अस इन एनी फॉर्म और द अदर, इफ एट ऑल इफ वी कैन हेल्प यू इन योर जर्नी विल बी मोर देन हैप्पी. एक ऐड करना चाहूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ऑन्टरप्रिनर बनना है, बट एटलीस्ट ऑन्टरप्रिनरशिप एक जर्नी है जिसको सबको एक्सपीरियंस करनी है. हमारे पास एक ऑन्टरप्रिनर ऐसा भी है जिन्होंने ऐसे बोला कि आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मैं फंडर के पास नहीं जा सकता और उतना स्केल पे नहीं काम कर सकता, बट मैं जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. सो वी आर नॉट हियर टू मेक एवरी वन एन ऑन्टरप्रिनर, बट वी आर हियर टू गिव देम एन एक्सपीरियंस विच वुड हेल्प देम इन देयर लाइफ, बिकॉज इफ यू बिकम एन ऑन्टरप्रिनर यू वुड नो एग्जैक्टली वॉट आर दोज चैलेंजेस एंड यू वुड ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर एज वेल.
So with that, I would like to conclude. उदय जी, मनपूर्वक धन्यवाद. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये स्वावलंबी भारत अभियानाचे मुकुलजी वैद्य, सेवावर्धिनीचे देवदत्त टेंबेकर सर, अरविंद जी आणि अनेक मान्यवर ऑनलाईन पद्धतीने जॉईन झाले होते, त्या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा धन्यवाद व्यक्त करतो. ज्यांना कुणाला काही समस्या असतील ते सेवावर्धिनीला किंवा रामोमाळगी प्रबोधिनीला संपर्क साधू शकतात. वेबसाईट वरती सगळ्यांचे लिंक, सगळ्यांची माहिती आपल्याला सहज उपलब्ध होईल. स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलेलं आहे की ध्येय सिद्धी होईपर्यंत थांबायची नाही आहे. तर आजच्या दिनी आपण सर्व संकल्प करू की माझं जे उद्योजक होण्याचं ध्येय आहे ते सिद्ध किंवा प्राप्त होईपर्यंत मी थांबणार नाही, आणि त्यासाठी लागेल ती मदत मिळेल तिथून मी घेण्यासाठी प्रयत्न करेन असं सांगतो. आणि आपण सर्वजण थांबतो. सर्वांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद. Thank you, Mukulji. Really appreciate. Thank you. We will work further on Yes, this. Thank you. thank you very much, all AIC team.